कोरोना की थर्ड वेव चल रही है जो कि बहुत ही जानलेवा है। इसी हवाले से हमने काफ़ी सारी दुकानें सील भी की हैं जो कि वायलेशन कर रही थी। काफ़ी सारों पे हमने जो है वो फ़ाइन भी किया है, लेकिन उस सबसे बेहतर मैं समझती हूँ कि ये मेजर है कि हम जो है उनमें ना सिर्फ अवेयरनेस फैलाएं लेकिन उनको वो सामान भी प्रोवाइड करें जिनसे वो खुद को भी और अपनी फैमिलीज को बचा सकते हैं कोरोना से। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र टंडो जाम के मुख्तलिफ इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर ताल्लुका हैदराबाद कंदील फातमा मेमन ने घर घर जाकर कोरोना जैसी वबा से बचने के लिए उन्हें टूल किट फराहम की, जिसमें एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश, सैनिटाइजर, साबुन और मास्क शामिल हैं। इस मौके पर कंदील फातमा मेमन ने घर के तमाम अफराद को कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए सेंटर्स पर मुफ्त वैक्सीन लगाने का मशवरा भी दिया। अवेयरनेस की जो है वो कैंपेन्स की हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे जो नॉर्मली जो लोग हैं उन ये सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे तालुका हैदराबाद में जो है बहुत सबसे बाकी तीनों तालुकों से कंपेरेटिवली कम केसेस हैं। उसकी यही वजह है कि हमने शुरू से अवेयरनेस की कैंपेन्स इतनी ज़्यादा की हुई हैं कि हमने उनको बताया हुआ है कि वैक्सीनेशन का तरीका क्या होता है, और उसी तरीक़ेकार से जाके उनको ये भी बताया गया है कि कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पे वो जाके आसानी से मुफ्त में जो है वो सरकार वाली वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। तो जब एक गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रही है तो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए और वो जाके इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करें। हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए जिला हैदराबाद में 8 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को मुफ्त वैक्सीन की जा रही है। इसलिए शहरियों का फर्ज बनता है कि वो इस मौजी वबा से खुद को और अपने घर वालों को महफूज रखने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर भेजें। रेहान गनी, पासबान न्यूज़, हैदराबाद।